आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। दोनों कलाकार एक रंग काट अंदाज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक रागनी सुनाना चाहते हैं। तालियों का आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी जोर से आपने ताली बजाई है, कोशिश करेंगे इससे दुगनी मेहनत करके आप सभी के बीच में रागनी सुनाए। रागनी तो पुरानी होगी लेकिन कलाकारों का अंदाज बिल्कुल नया रहेगा। प्रेमी श्रोताओं, आइए रागनी वहां से होगी कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश जा रहे थे तो नेताजी की भाभी सामने आ गई। न्यू क्या लागी देवर जी कड़े जावे है, नको भाभी विदेश जा रहा हूँ, देश को आजाद कराऊंगा, भारत माता गुलामियों की जंजीरों में अंग्रेजों ने जकड़ रखी है उसको छुड़वाना है। कि देवर जी अगर विदेश जा रहे हो तो जब वहां से आओगे तो मेरे लिए एक बढ़िया सी साड़ी लेके आना। नेताजी नो के अल्लाह के भाभी साड़ी तो देश में भी मिल जाएगी, नको देवर जी जैसी साड़ी मैं बनवाना चाहती हूँ ना मंगवाना चाहती हूँ, वैसी साड़ी अगर इस दुनिया में कोई ला सकता है तो वो मेरा देवर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। तो वो भाभी कैसे अपने देवर को मंगवाती है साड़ी, आइए सुनते हैं हम तीनों कलाकारों के माध्यम से ये रागनी। हाँ तो देवर जी, भाभी जी मेरे लिए एक बढ़िया सी साड़ी लेके आना। साड़ी? हाँ, आपके पास तो बहुत साड़ी है। बहुत साड़ी है लेकिन ऐसी साड़ी चाहिए जिस पर वीरों के फोटो होनी चाहिए। अच्छा, कुछ वीर मुझे याद हैं जो मैं आपको बताऊंगी। हाँ। और कुछ वीर अगर मुझसे रह जाए तो देवर जी आप क्रांतिकारी वीर हो, आपको तो सारी बातों का पता है, आप भी बताना कि किस किस की फोटो उस साड़ी पे अच्छे लगे। कुछ आपकी डिमांड होगी, आपकी फरमाइश होगी, कुछ हमारी भी फरमाइश होगी। भाभी मेरी बात सुनो देवर जी। कहिए। कैसी साड़ी चाहिए रे, हाँ। और दिल की खोल बता दे सारी। अब तूने मेरा दिल खुश कर दिया, दिल की खोल के ही बताऊंगी एक एक बात। बता दे बोस इसी साड़ी Oh,
उस दूसरे पल्ले पर कौन कौन से वीरों की फोटो होनी चाहिए। हाँ। इस दूसरी रागनी की दूसरी कली को लेकर बहुत अच्छा कलाकार अजीत बैसला आप सभी के बीच में आ रहे हैं, एक बार इसके लिए भी तालियां बजा दीजिए। किस तरह से पूरे जोश में भर के अजीत बैसला दूसरी कली को सुनाएगा। क्या भाई चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह रास बिहारी भेसी भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए निर्दोष भी हो, अरे चलिया वाले बाग का धनसा, चलिया वाले बाग का धनसा, चलिया वाले बाग का धनसा टायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने लंदन में से बिछड़ता हो, बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताओ रागनी अच्छी लग रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए न्यू कहने लगी देवर जी, जी भाभी जी, वीरों की फोटो तो साड़ी के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन जो तीसरा पल्ला मेरी साड़ी का होगा, हाँ, उस तीसरे पल्ले पर हमारे देश के अंदर बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े दानी हुए हैं, और जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, श्री रामचंद्र जी की भी फोटो होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, तो बाबी जरूर होगी। सुनिए मेरी बात, कहिए अपनी बात। और विक्रमादित्य पर
कलाकार जी जिन्होंने पहले भी बहुत सारा पुरस्कार दिया, फिर से हम तीनों कलाकारों के लिए 300 रुपए 100-100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय सुखबीर फौजी जी गांव सोप से, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। फौजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मास्टर ताराचंद जी उनका धन्यवाद करते हैं, वो भी इस रागनी पर खुश होकर के 300 रुपए हम तीनों कलाकारों के लिए देते हैं, उनका धन्यवाद। और मोर रागनी जो ये कैमरे हमारे बीच में लगे हुए हैं, मोर म्यूजिक कंपनी की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम हमारी टीम के लिए दिया जाता है और 1100 रुपए गौशाला में दान किए जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा कर का स्वागत करें। ये पूरा कार्यक्रम यूट्यूब पर चैनल है मोर रागनी, मोर रागनी आप सर्च करोगे, ये पूरा कार्यक्रम लंबा गौशाला के नाम से आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। और आदरणीय मंजीत दलाल जी जिन्होंने पहले कई 1000 रुपए का पुरस्कार दिया, फिर से हम तीनों कलाकारों के लिए 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम लाइनों में न्यू लागी देवर जी, कहिए भाभी जी, जो मेरी साड़ी का चौथा पल्ला होगा, हाँ, उस चौथे पल्ले पर आपकी भी फोटो होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन आपकी फोटो कब और कहाँ कौन सी पोजीशन में होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, सुनिए मेरी बात। कहिए भाभी। एक बार वो हाथ खड़े करो जो अपनी भारत माता से प्यार करता है। फटकती रागनी सुनवाएं, हम बीच में मान सम्मान करना चाहते हैं।